हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। राज्य में टिकट वितरण के बाद कई कार्यकर्ताओं ने अपना निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं कांग्रेस से बगावत कर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने भी अपना निर्दलीय नामांकन कर दिया, जिसके बाद आज संजय नेगी ने मालधन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम के बाद अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर जाकर 14 फरवरी को अपने पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के वर्तमान सचिव जय प्रकाश भी संजय नेगी के समर्थन में आए और उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। इसका विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है और मैं भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने पर्चा दाखिल किया हुआ है और आज आप देख रहे होंगे कि एक हुजूम एक निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे ऐसे ही नहीं होता है। आज हमने यहाँ पे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और जिस तरीके से घटनाक्रम रामनगर में हुआ कि पहले हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़े थे और उन्हें दूसरे व्यक्ति ने जो पूर्व विधायक यहाँ से रहे हुए हैं सल्ट से, उन्होंने पार्टी को दबाव में लेकर हरीश रावत जी का टिकट कटवाकर जो है उन्हें लालकुआ शिफ्ट कर दिया गया और जो एक गुस्सा पार्टी के खिलाफ आम जन में रामनगर के अंदर था वो देखने को मिला और उन्होंने मेरी जो जनता थी मेरे जो जो समर्थक थे उन लोगों ने लगातार मेरे पर दबाव बनाया कि संजय जी आपकी वजह से हम हरीश रावत जी को सपोर्ट कर रहे थे और आज हरीश रावत जी नहीं है तो विकल्प के तौर पर आप चुनाव लड़िए। मैंने उसके बाद मन बनाया कि मुझे निर्दलीय रूप से इस पार्टी को भी सबक सिखाने के लिए निर्दलीय रूप से जो है चुनाव लड़ना चाहिए और मैंने चुनाव लड़ाने का मन बना लिया है और चारों तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि संजय नेगी जो व्यक्ति है उसे जो है वोट देना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उन्होंने 5 साल में सत्ता में रहकर कोई भी ऐसा विकास का कार्य रामनगर के लिए नहीं किया जिससे वो जनता के बीच में जाकर वोट मांग सके और जो हमारे कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रत्याशी दिए गए हैं वो बिल्कुल डमी कैंडिडेट है और उनको एक कार्यकर्ता कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है जो जी जान लगाकर चुनाव लड़ाता है जो है पार्टी वो तक नहीं जानता। वो कह रहे हैं कि हमारे गले में तो कांग्रेस पार्टी ने एक मरा हुआ सांप डाल दिया तो उसके विकल्प के तौर पर मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ने का मन बनाया और आज हमारे यहाँ पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। क्या लग रहा है 14 फरवरी को क्या होने वाला है? देखिये 14 फरवरी को प्रदेश में आप देखेंगे कि एक जबरदस्त जो रामनगर ही आप सबसे हाईलाइट देखोगे टीवी चैनलों पे पेपर के माध्यम से आप देखोगे कि रामनगर में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जो है बाजी। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।